धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाखों गुरुद्वारे हैं, करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, चर्च हैं, भरे पड़े प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर तरफ ऐसा लगता है धर्म ही धर्म है, पर असल में सब जीरो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। धार्मिक दिखना और बात है, धार्मिक होना और ही बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खास करके आप अपने देश में देख लीजिए, भारत देश में सब तरफ आपको धर्म ही धर्म दिखाई देगा, पर ईमानदारी 1% भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1% भी ईमानदारी नहीं है। एक दूसरे को लूटने में लगे, एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे, एक दूसरे को कमाल है वैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की 3 मूल शिक्षाओं में सबसे पहले नाम से भी ऊपर उन्होंने धर्म की किर्त को रखा। धर्म की किर्त को, सच्ची सुच्ची किर्त, मेहनत की कमाई, दशा नौ की किर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम कर क्या रहे हैं, हम सब जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका जहां दाव लगता है छोड़ता नहीं है, जिसका चल जाए, कोई मिल जाए सही मूर्ख बनने वाला, बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला भाला ग्राहक आ गया तो और रेट, समझदार आ गया तो और रेट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम कहते हैं अपने आप को धार्मिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी यही कह रही है कि बीज बोते वक्त तू नहीं सोचता कि तू क्या कर रहा है, काटते वक्त रोता क्यों है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कुदरत का कानून है, सृष्टि का एक नियम है, अटल नियम। जो बोएगा वो तुझे काटना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत है। ये जो खेती बाड़ी है, हो सकता है बीज कोई और बोए, फसल कोई और काटे, खाए कोई और, पर कर्म सिद्धांत में जो बोएगा उसी को खाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी को काटना पड़ेगा, उसी को खाना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत है। ये सारे वेद शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं, हम सुनते भी हैं पर चलते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर पछताते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब कर्म बोया था तब तूने ही बोया था भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले अपने स्थान पर विराजमान, दोपहर का वक्त है, नाम आया है सरदार हरबख्श सिंह, आकर माथा टेका, फतेह बुलाई, माथा टेका, नमस्कार की और बैठ गया। कहने लगा बहुत बड़ी एक तकलीफ में हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमींदार है बड़ा, बहुत सारे खेत है इसके पास। महापुरुष कहने लगे तेरे पास तो बहुत धन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तुम यही समझते हो कि धन से सुख मिलता है, तो तकलीफ क्या है। तो हरबख्श सिंह क्या कहता है, कहता है बारिश का पता नहीं होता, कभी आए कभी ना आए। उस समय नए नए ट्यूबवेल शुरू हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे हम बोरिंग कहते हैं। कहते बहुत सारे लोगों ने बोरिंग करा ली है, अब मेरा भी मन किया मैं भी बोरिंग कराऊं, ट्यूबवेल लगाऊं अपने खेतों में, जब चाहिए फसल उगाए, जब पानी निकलता रहेगा मिलता रहेगा। मेरे साथ वाले एकदम लग के खेतों में बाउंड्री पे सबका पानी निकल आया है, थोड़ी सी गहराई में जाते ही पानी निकल आता है। पर मेरे यहाँ पर भी जो पानी निकालने वाले बोरवेल वाले आए हैं, इंजीनियर आए हैं, जो भी आए हैं,
पानी निकलता है थोड़ी सी जमीन पे ही, गहराई पे ही निकलता है, पर जब ट्यूबवेल पूरा सेट कर देते हैं तो पानी बाहर नहीं आता जमीन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं कि जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी है नीचे, पर आता क्यों नहीं। गुरुबख्श सिंह, हरबख्श सिंह क्या कहता है कि महापुरुषों एक दो तीन चार पांच नहीं 12 बोरवेल खुदवा लिए हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा हो गया है, पानी दिखाता है। वो भी हैरान है, हम भी हैरान है कि पानी निकलता क्यों नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, उनके पास साथ संगत जी जब भी कोई आता था ना, जब भी कोई आता था, या तो उसे अगले दिन का समय देते थे, या तो कहते थे कि थोड़ी देर कहीं हो आओ। इसे कहने लगे भाई आप लंगर छक लो, बाद में बात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहां गए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष गुरु साहिब जी के पास चले गए अंदर भीतर, वो वहां पे भोजन खा रहा है, महापुरुष गुरु साहिब जी के पास बैठे, बाहर आ गए ये भी, वो भी भोजन खा के आ गया। महापुरुष क्या कहते हैं, हरबख्श सिंह एक सच सच बात बता, तूने किसी गरीब के पैसे तो नहीं मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने किसी गरीब को दुख तो नहीं दिया, किसी के पैसे तो, किसी का हक तो नहीं रखा हुआ। अब जैसे हम चालाक लोग होते हैं कि महापुरुषों को क्या पता है, कह देते हैं, वो भी कहने लगे नहीं नहीं मैंने किसी का हक नहीं रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे थोड़ा विचार ले, घर चला जा, विचार के आ जाना, कल कल बता देना। कहने लगे विचारने की जरूरत ही नहीं है, मैंने किसी का हक नहीं मारा है। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे देखो भाई, एक तो यहां पर आना है, मदद मांगनी है, रास्ता पूछना है, और यहां पर आकर भी अगर झूठ ही बोलना है तो जा चला जा, तेरे खेतों में से कभी पानी नहीं निकल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी जमीन में कभी पानी नहीं निकल सकता। घबरा गया महापुरुषों के मुखारविंद से ऐसे करड़े वचन सुनकर। कहने लगे सच नहीं बोलना तो यहां से चला जा, तो हाथ जोड़ दिए, कहने लगा हाँ मैंने पैसे रखे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कारपेंटर से घर में काम करवाया, कोठी बनवाई, वो कहने लगा महापुरुषों से, सारा काम करा के उसके काम में नुक्स निकाल के मैंने उसके 270 रुपए रख लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गरीब आदमी, उस समय 270 बहुत होते थे, पूरा घर बनवा के उससे, उसकी मेहनत नहीं दी, उसे नुक्स निकाल दिया काम में, और उसके 270 रुपए मैंने हक मार लिया उसका, उस गरीब आदमी का। वो मांगता रहा, मिन्नतें करता रहा कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे यही है, मिलेगा तो घर बच्चे खाएंगे, पर मैंने नहीं दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे तुझे शर्म नहीं आई, गरीब आदमी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसकी पहुंच नहीं है, तुझ पे केस भी नहीं कर पाया, वो तुझसे जबरदस्ती ले भी नहीं पाया, पर उसके हृदय से एक आह निकली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी के हृदय से जो आह निकलती है वो निरंकार तक पहुंचती है। तूने 12 बोरवेल खुदवाए या 1200 खुदवा ले, जब तक उसकी आह बीच में है पानी नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमारे लिए शिक्षा की बात है साध संगत जी, हमारे कई काम अटके होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि क्या वजह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीज बोते वक्त नहीं सोचते, किसी का भी हक फटाफट मार लेते। मैं तो कई बार ऐसे हैरान होता हूँ साध संगत जी, ऐसे ऐसे लोग जो लाखों रुपए दान देते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हजारों रुपए लाखों रुपए आके दान देके जाते हैं, रिक्शे वाले से 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब्जी वाले से झगड़ा करते हैं, वो बेचारा गरीब आदमी है, कुछ नहीं बोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो छोटी बात है, हम सब जानते हैं हम क्या करते हैं, और हम इस बात को बहुत छोटा समझते हैं। महापुरुष समझा रहे हैं इस बात को छोटा मत समझो। जब हम जमीन में बीज बोते हैं साध संगत जी, उसका बीज नहीं निकलता, पेड़ निकलता है, हजारों लाखों फल होते हैं, सब खाने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो नेक कर्म हो तो वो पेड़ लाखों फल देगा, नेक कर्म, अगर बुरा कर्म है तो लाखों बुरे कर्म, लाखों फल खाने पड़ेंगे, कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे अगर तू चाहता है तेरे जमीन में से पानी निकले, ब्याज समेत उसे जाके उससे माफी मांग के उसके पैरों पे गिर के माफी मांग के
जब तक वो बोल ना दे कि मैंने तुझे दिल से माफ किया, जाना मत, पैसे दे के या ब्याज समेत, ब्याज निकाला सारा मिला के 320 रुपए बने। ये गया उसके घर में, दरवाजा खोला, उसने पैरों में गिर पड़ा। उसे 320 रुपए मिले, उसके लिए तो डूबे हुए पैसे थे, उसके दिल से आशीष निकली, प्यार से बोली अदान गुरु नानक, उस गरीब आदमी के हृदय से आशीष निकली। उसने कहा मैंने आपको माफ किया, आप पैरों में मत गिरो। ये खुशी खुशी वापस आया महापुरुषों के पास कि अब क्या करूं। महापुरुष कहने लगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ट्यूबवेल तूने खोदा हुआ है चालू कर, पानी निकलेगा। प्यार से बोली अदान गुरु नानक, और उसने किया, हरभज सिंह ने वो ट्यूबवेल चालू किया, पानी निकला साथ संगत। ये अभी अभी की घटना है, तकरीबन 50-60 साल पहले की। प्यार से बोली अदान गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। ये सारी जो हम शिक्षा यहाँ पे मिलती है, ये भीतर तक जानी चाहिए। मानता हूं हमने बहुत गुनाह किए होंगे, जिसके दर पे बैठे हैं वो बख्शने वाला है। एक बात याद रखना, वो बख्शता है एक शर्त पर के दोबारा वो काम नहीं होगा। घर से बोलिए अदान गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कोई आया था ना, कि आपने कहा कि चोरी छोड़ दो, मैंने चोरी छोड़ दी, पर जो अवस्था दूसरे सिखों की बनी हुई है, सूरत ऊपर चढ़ती, मेरी सूरत ऊपर नहीं चढ़ती, इतने साल हो गए चोरी छोड़ के। मैंने पश्चाताप भी किया, गुरु अर्जन देव जी कहने लगे बातों का पश्चाताप है तेरा। घर से बोलिए अदान गुरु नानक, चोरी की जो भैंसे लेके आया था वो तो तूने वापिस नहीं की, दूध अभी तक वही उन्हीं भैंसों का पी रहे जो चोरी के लाया था, बच्चों को भी वही पिला रहे, तेरी सूरत कहाँ ऊपर पहुंचेगी। बातों का पश्चाताप नहीं, अगर किसी का हक मारा है, बाबा नंद सिंह जी के वचन है पल्ले बांध लो। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को सज्जन ठग को यही कहा था, अगर एड्रेस पता है जाकर देखे आओ, नहीं पता तो गरीबों में दान कर दो। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, और फिर माफी मांग लो, गिर करके आगे से नहीं करूंगा, वो बख्श देता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, धन गुरु नानक। पानी कह रही है जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, इस खेत में जो बीजेगा वो काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तू बच जाए, नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।